नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेरापेटिक्स के सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और इसमें जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं उनके आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में जो मैंने डिसऑर्डर को यहाँ पे इंक्लूड किया है वो है हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके फार्माकोथेरापेटिक्स में बन सकते हैं आज की वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें। और डेली शाम को 8 बजे, ठीक है, डेली शाम को 8 बजे आप लोग फार्मेसी पॉइंट चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको लाइव वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आप फार्मेसी पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो जो है वो पहले से फार्मेसी पॉइंट चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी इज टू हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हाइपोटेंशन, एंजाइना, हाइपरटेंशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा क्या है कि ए कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी। अब देखिए ये हमारा ब्लड वेजल्स है और इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की डेफिनेशन दी गई है और अगर आपको हाइपरटेंशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने एग्ज़ाम में तो आप इसी डेफिनेशन को चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो हमारा ब्लड वेजल्स है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक डेफिनेशन बन गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ अबव 140/90, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। देखिए जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हमारा 120/80 mmHg होनी चाहिए, ठीक है, और अगर इससे ऊपर होता है यानी कि 140/90 होता है तो ये हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सीवियर हाइपरटेंशन क्या होता है, तो जो इसमें आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें हम कहें कि ये इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 190 mmHg हो जाएगा, ठीक है, तो इससे ऊपर हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि हाइपरटेंशन इज क्लासीफाइड इंटू 2 type, 3 type, 4 type, नॉन ऑफ दिज। तो देखिए जो हमारा हाइपरटेंशन है इसको बेसिकली हम 2 class में क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका हो गया प्राइमरी हाइपरटेंशन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, और एक आपका होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 class होती है, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ये हमारी 2 class होती है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 type। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि एसेंशियल हाइपरटेंशन इज, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, टर्शरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड नॉन ऑफ दिज। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। हम प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा एसेंशियल हाइपरटेंशन है इसी को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि जब हमें हाइपरटेंशन होता है या फिर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं चलता है कि आखिरकार हाइपरटेंशन किन वजहों से हो रहा है, उसकी वहाँ पे इटियोलॉजी क्या है, हमें इटियोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, तो इस तरह के जो हाइपरटेंशन होता है, इस टाइप का जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर इसका हमें कॉज नहीं पता है, ठीक है, अगर ये अननोन रीजन से हो रहा है, ठीक है, अननोन रीजन से अगर ये हो रहा है, अननोन रीजन से हो रहा है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जब हाइपरटेंशन की हमें वजह पता नहीं लगती है कि आखिरकार किस वजह से हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि हाइपरटेंशन अफेक्ट मोस्टली, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का केस है, हाई ब्लड प्रेशर का केस यानी कि हाइपरटेंशन, तो ये हमारे किन बॉडी ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है? तो देखिए, अगर हाइपरटेंशन का केस है तो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ब्रेन को, हार्ट को और किडनी को, ठीक है। ये हमारे तीन ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसीलिए बोथ वन एंड टू का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दिया गया है कि स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर, जी हाँ, जो हमारा हाइपरटेंशन है इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज सीरियस डैमेज टू हार्ट, बिल्कुल, जो हमारा हार्ट है हाइपरटेंशन इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो रिड्यूस ब्लड फ्लो, ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हमारे पास हाइपरटेंशन का केस है, हाई ब्लड प्रेशर का केस है, तो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसमें कि हम मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है उसको देख सकते हैं, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपको नमक नहीं खाना है या फिर नमक आपको बहुत ही ज़्यादा कम खाना है। और देखिए, जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं इन्हें 5 mg पर डे से ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, इन्हें 5 mg पर डे से ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आपको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, आपको ऑयल्स वगैरह नहीं आपको खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। अगर हाइपरटेंशन का केस है तो इसमें ऑयल्स हो गया, जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसी सारी चीज़ें जो कि हमारे हार्ट को डैमेज करती हैं, उन सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अवॉइडिंग यूज ऑफ अल्कोहल, ये भी हमारा सही है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सारे जो हैं वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हैं हाइपरटेंशन के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन किन किन वजहों से हो सकता है। तो पहला दिया है ओबेसिटी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा नमक ले रहा है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है। आपको सोडियम की मात्रा बहुत ही आपको कम लेनी है। स्ट्रेस, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तनाव करता है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें और ज़्यादा बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला आपका ओबेसिटी हो गया, दूसरा आपका हाई सॉल्ट इनटेक हो गया, तीसरा स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे तीसरा स्ट्रेस हो गया, और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लो पोटेशियम इनटेक, ठीक है। अगर आपके डाइट में अगर यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा अगर आप यहाँ पे कम ले रहे हैं तो तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, और पोटेशियम का सबसे अच्छा जो यहाँ पे सोर्स है वो है बनाना, ठीक है। तो इसमें आपको पोटेशियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर किसी पेशेंट में अगर पोटेशियम आयन की मात्रा कम होती है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अगर आप लो कैल्शियम आयन डाइट लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन यानी कि हाइपरटेंशन है, अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला, सोडियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम आयन कम हो जाएगा, और क्लोराइड आयन भी जो है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो पहला दिया है चेस्ट पेन, बिल्कुल, विजन प्रॉब्लम, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगी, आपको धुंधला दिखाई देना
शुरू हो जाएगा, विजन ब्लर्ड हो जाएगी, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं हाइपर टेंशन के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड यहाँ पे ब्लड प्रेशर को किससे यहाँ पे मेजर्ड करते हैं, तो इसको मेजर्ड करते हैं इस फिगो मैमो मैनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर जो टू है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई स्फीगो मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेशर वेन हार्ट बीट। अब देखिए, जब हमारा हार्ट बीट होता है, जब हमारा हार्ट बीट होता है, तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक रिलैक्सेशन नोन ऑफ दिज। तो जब हमारा हार्ट बीट करता है और उस टाइम हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर वन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो प्रेशर व्हेन हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, ठीक है, जब हमारा हार्ट जो है उसने एक बीट किया, उसके बीच का टाइम, उसके बाद फिर से हमारे हार्ट ने फिर से एक बार बीट किया, यानी कि सेकेंड बीट। तो फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट के बीच में जो प्रेशर होता है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर टू जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे दिया गया कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। तो हाइपरटेंशन के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम किन मेडिसिन का यूज करते हैं, तो हम बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं, डायूरेटिक भी यूज करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन ड्रग्स भी यूज करते हैं, और ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम इन सारी यहाँ पे क्लास की जो ड्रग हैं उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि डायूरेटिक्स यूज इन हाइपरटेंशन, तो कौन कौन से ऐसे यहाँ पे डायूरेटिक्स हैं जिनका कि यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डायूरेटिक्स हैं। पहला दिया गया क्लोरथाइएजाइड, दूसरा है फुरोसीमाइड, तीसरा है यहाँ पे एमिलोराइड, और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे क्लोरथाइएजाइड है, ये हमारा थाइएजाइड ग्रुप का डायूरेटिक है। अगर हम बात करें फुरोसामाइड, अगर हम यहाँ पे बात करें फुरोसीमाइड की, तो ये हमारा लूप डायूरेटिक है, ठीक है, ये हमारा लूप डायूरेटिक है। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमिलोराइड की, तो ये हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको फार्माकोथेरापेटिक्स और फार्माकोलॉजी, इन दोनों को आपको रिलेट करके पढ़ना है, और जब आप इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट बड़ी आसानी से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका फार्माकोथेरापेटिक्स प्रिपेयर होता है, तो आप ये मान के चलें कि 80-90% आपका फार्माकोलॉजी भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको फार्माकोलॉजी में सिर्फ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, और वही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका फार्माकोथेरापेटिक्स में काम आएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि वाटर पिल्स आर, तो जो हमारे डायूरेटिक्स होते हैं इन्हीं को हम वाटर पिल्स कहते हैं, और हाइपरटेंशन के केस में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के केस में डायूरेटिक्स का यूज क्यों किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डायूरेटिक्स का यूज यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सेस यूरिन, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिन का फ्लो होगा हमारा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरिन का फ्लो होगा और ये हमारे बॉडी के बाहर आएगा, और ये साथ में बहुत सारा सोडियम आयन भी हमारे यूरिन के साथ जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन में क्या होता है, सोडियम आयन की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम डायूरेटिक्स का यूज करेंगे, तो थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के थ्रू जो हमारा यहाँ पे सोडियम आयन है वो हमारे बॉडी के बाहर चला जाएगा, और सोडियम आयन की जो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर है वो कम हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स का हाइपरटेंशन के केस में, और डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज इन हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन में कौन कौन से बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं, वो ये चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो एटीनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सारे एग्जांपल हैं बीटा ब्लॉकर के। तो इनको आपको याद रखना है, एटीनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे बीटा ब्लॉकर के। आप एपीएम भी याद
इसको याद रख सकते हैं, ए से एटीनोलोल, पी से प्रोपेनोलोल और मी और एम से मीटोप्रोलोल। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं? तो यहाँ पे दिया गया कि ऑल्सो कोल्ड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, बिल्कुल सही, इनको हम बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर भी कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि हार्ट टू बीट स्लोली विथ लेस फोर्स। अब देखिए इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये इस पर एक्शन करते हैं और हमारे दिल को बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा स्लो काम करो, तो ये हमारे हार्ट को स्लो कर देते हैं और जब हमारा हार्ट स्लो हो जाएगा तो ये लेस फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स जो है वो कम होगा और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर, हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर है वो हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा इनका काम डायलेटर का भी होता है, ये हमारे वैसो डायलेटर होते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये इनको डायलेट कर देते हैं। जब हमारी ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि बीटा ब्लॉकर्स ऑल्सो यूज्ड इन, तो जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका बहुत जगह यूज किया जाता है और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका फार्माकोथेरापेटिक्स में जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि आपका एंजाइना हो गया, ठीक है, एंजाइना, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, तो इस तरह के जो भी डिसऑर्डर दिए गए हैं इनमें आपको बेसिकली जो आपने यहाँ पे हाइपरटेंशन में यूज किया है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि इररेगुलर हार्ट बीट, इसी को हम कहते हैं एरिथमिया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एरिथमिया, तो इसमें भी बीटा ब्लॉकर का यूज होता है, हार्ट फेलियर में भी होता है, एंजाइना में भी होता है। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया लिख देते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 19 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें लगभग आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो कि आपसे हाइपरटेंशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी ये न्यूज़ शेयर कर दें कि डेली आपको 8 बजे रात को ज्वाइन होना है फार्मेसी पॉइंट चैनल पे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जय हिंद।